अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपके लिए तीन स्पेशल गाड़ियां लेकर आया हूं, 660 सीसी में डिफरेंट गाड़ियां हैं, तो काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। और बाकी आप चलते हैं गाड़ियों की तरफ। तो ये कुछ गाड़ियां तीन, सुजुकी वेगन आर और सुजुकी असलर और दियास्तुमो। ठीक हो गया, ये तीन गाड़ियाँ हैं, प्रॉपर डिटेल रिव्यू दूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुजुकी वेगन आर से। फ्रंट की तरफ आते हैं तो ये कुछ फ्रंट से लुक। अगर लाइट की बात की जाए, सिंपल हलोजन बल्ब में इसका लाइट दिया गया है। बाकी अगर ग्रिल की बात करें तो दरमियान में सेंटर में सुजुकी का लोगो और राउंड इकरार क्रोम की यूज़ किया, जिससे लुक है, डिसेंट लुक है और लेकिन काफ़ी एग्रेसिव आ रही है। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये कुछ साइज़ का साइड प्रोफाइल ठीक हो गया। अगर अलॉय व्हील्स की बात करें तो सिंपल इसमें स्टील व्हील दिया गया, साथ व्हील कप, और यहाँ पे आपको हाइब्रिड की बेजिंग मिल जाएगी। अगर ओआरएम की बात करें तो आपको बॉडी कलर में ओआरएम मिल जाएगा, इसमें कोई सैटन सिग्नल नहीं है ठीक हो गया। और बाकी आपको अंदर से लुक दिखाता हूँ इसकी, और ये कुछ इसका लुक अंदर से इंटीरियर, जो काफ़ी प्यारा इंटीरियर है। चलो डोर को बंद करते हैं, जब अंदर बैठेंगे तो प्रॉपर डिटेल रिव्यू करेंगे। और 660 सीसी में ये बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, अगर एवरेज की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। और ये कुछ अगर स्पेस की बात करें बैक पे, तो अच्छी खासी स्पेस मौजूद है, फैब्रिक की सीट से इंस्टॉल है। बैक की तरफ आते हैं तो ये कुछ इसका बैक से लुक, दरमियान में वेगन आर सुजुकी का लोगो, राइट साइड पर वेगन आर के बेजिंग मिल गए। बैक स्क्रीन की बात करें तो आपको बैक जो स्क्रीन है उसके टिंटन मिलेगी, उसके साथ आपको जो है इसमें आपको रिफोगर दिया गया, ऊपर आपको वाइपर मिल जाएगा, साथ साथ हाई मॉन्स्टोम फ्लेम और वॉशर। अगर इसकी बम्पर की बात करें तो सिंपल इसका बम्पर है ठीक हो गया, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। अगर बैक लाइट की बात करें तो बम्पर प्लस बॉडी में जो है ना बीच में दिया है, पता नहीं क्या, और साथ हाइब्रिड की बेजिंग। तो लाइट की बात की जो सिंपल हलोजन बल्ब में ही दिए गए। ट्रंक को ओपन करते हैं, स्पेस चेक करते हैं कि इसमें कितना स्पेस है ठीक हो गया। स्पेस तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप अंदर छोटा सा एक लगेज ही रख सकते हैं। हाँ, अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहो आप दो के दो बंदे, तो सीट को यूँ फोल्ड करें ठीक हो गया, और जो है ना आपके आगे स्पेस काफ़ी सारे, इस तरह आप अपनी स्पेस बढ़ा सकते हैं अगर आप सिर्फ दो बंदे हैं तो, वरना फिर आपके स्पेस इसमें नहीं है। और एक कुछ दूसरे साइड के प्रोफाइल। बाकी व्यूअर्स चलते हैं इसके इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं इसके इंटीरियर कैसे हैं। व्यूअर्स, हम इसके इंटीरियर में आ चुके हैं, तो ये कुछ इसका इंटीरियर, और आपको यहाँ पर स्क्रीन इससे निकाली हुई रिप्लेस कर रही है, ख़राब हो गई, इसका करे कि ख़राब हो गई, रिप्लेस कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है बता देते हैं। और उसको अगर सीट की बात करें तो सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट है। बाकी जो है ना, अगर बाकी इंटीरियर की बात करें, इसकी वजह से जो है ना काफ़ी फ़िलहाल अभी इंटीरियर जो है ना काफ़ी डिफरेंट लग रही है, यानी उसने प्यारा नहीं लग रहा है इंटीरियर, लेकिन बाकी जो है ना गाड़ी में देखोगे तो लग्जरी फील आएगी। चलो फीचर की तरफ आते हैं, आपको जो है ना ड्राइवर के विंडो जो है ना ऑटो मिलेगी, बाकी आपको तीनों विंडो मैनुअल, साथ साथ ये विंडो लॉक का बटन, और यहाँ से आप अपने मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आए तो आपको जो है ना एक रडार सिस्टम, और साथ साथ आप अपनी लाइट की ब्राइटनेस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आते हैं स्टेयरिंग की तरफ, तो स्टेयरिंग में सिंपल स्टेयरिंग व्हील है ठीक है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, मल्टीफंक्शन है, सिंपल सादा पावर स्टेयरिंग है। इस साइड पे आपको राइट साइड पे आपको वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल, राइट साइड पे आपको लाइट के रिलेटेड कंट्रोल, दूसरे साइड लेफ्ट साइड पे आपको वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। बाकी इसका मीटर जो है ना पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आ गया, 140 किलोमीटर प्लस लेफ्ट साइड पे आरपीएम शो करता है, और इस साइड पे जो है ना अभी क्योंकि ऑफ है, बैटरी इसमें नहीं है तो स्टार्ट नहीं कर सकते, और राइट साइड पर आपको आपको इंडिकेशन देगी बाकी फ्यूल वगैरह के। ऊपर आते हैं तो सनशाइन में वेंटीमीटर दिया है, और विदाउट लाइट यहाँ से आप जो है ना बाकी लाइट वगैरह भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरे साइड में सनशाइन में वेंटीमीटर नहीं है। बाकी मिरर की बात करें तो क्वालिटी तो भाई बेहतरीन है।
बाकी इसका मुझे मीटर जो है ना काफ़ी डिसेंट लग गया डोल टोन में, जो इसमें ख़ास कर ये जो लाइन है ना, इससे जो गाड़ी की लुक है काफ़ी इनहेंस हो रही है। बाकी अगर एसी उनकी तरफ आए तो डिजिटली है, सिंपली ही है, यहाँ से आप जो है ना फ़ैन का कर सकते हैं, यहाँ से एसी ऑन कर सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं, ऑफ, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर और ये बाकी हवा का। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में अच्छी स्पेस मौजूद है, बाकी आपको फ्रंट पे दो स्पीकर मिल जाएंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर सीट की बात करें तो काफ़ी जो है ना काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें, और फ्रंट में बैक में भी, और सीट काफ़ी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। तो ये कुछ था सुजुकी वैगन आर। अब चलते हैं सुजुकी असलर की तरफ, उसका आपको प्रॉपर डिटेल भी दूंगा तो वेट कीजिएगा। रवि, ये कुछ सुजुकी असलर, बैक से इधर से स्टार्ट करते हैं। अगर लाइट की बात कर जाएँ तो सिंपल हलोजन बल्ब में इसकी लाइट दी गई है, बाकी जो सराउंडिंग पे जो इसका क्रोम की गार्निशिंग हुई है ना, और अंदर भी इसे जो बैक से लुक के लाइट की काफ़ी इनहेंस हो रही है। बाकी दरमियान में आपको वाइपर मिल जाएगा स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। स्पेस की बात करें तो नॉर्मल स्पेस है, इतने स्पेस नहीं, आप एक छोटा सा अपना बैग रख सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी आपको वाइपर मिल जाएगा बैक सिंग, आपको डिफोगर मिल जाएगा, आई मोस्ट ऑन प्ले और वॉशर साथ, और इसे जो अराउंड दी बॉडी है ना इसमें आपको जो है ना क्लाइडिंग मिल जाएगी पूरे गाड़ी में, इससे जो लुक है काफ़ी इनहेंस हो रही है, ठीक है। ऊपर आपको रूफ रील मिल जाएंगे। साइड की तरफ आए तो ये कुछ इसका साइड प्रोफाइल, ठीक हो गया। ऊपर आपको एयर प्रेस इंस्टॉल मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको जो बैक स्क्रीन है आपको टिंटेड मिलेंगे। चलो बैक से आपको इसका लुक दिखा देता हूँ अंदर से आपको। इसके विंडो के अंदर आपको दो अदद बोतल होल्डर प्लस कॉम का हैंडलिंग, और ये इसका बॉडी कलर में। सीट की बात करें तो स्पेस तो अच्छी खासी है, बाकी सीटें भी कम्फर्टेबल है, बाकी जब अंदर बैठेंगे तो डिटेल रिव्यू देंगे। और इसको कुछ टायर प्रोफाइल 165/60 R15 की इसमें अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड है, एक कुछ कह रही हूँ। बाकी फ्रंट डोर की तरफ आते हैं तो स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ, और एक कुछ इसका इंटीरियर काफ़ी प्यारा डिसेंट इंटीरियर है जो ट्रिम इसमें। इसके अलावा आपको डोर के अंदर आपको एक अदर फाइल होल्डर मिल जाएगा, डोर को बंद करते हैं। फ्रंट लुक की तरफ इसके अलावा फ्रंट लुक से पहले आपको जो है ना ओरियम की तरफ आते हैं तो आरपीएम आपको जो है ना ओरियम आपको साइट एंड सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। बॉडी कलर में है, डोल टोन में इसका बॉडी कलर है, और एक कुछ इसका फ्रंट से लुक। फ्रंट लुक की बात करें तो जिस तरह इसका बैक से लुक है इस तरह इसका फ्रंट से भी अग्रेसिव लुक है। राइट की तरफ आएँ तो आपको जो है ना प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको साइट एंड सिग्नल और सराउंडिंग द कार जो क्रोम का यूज़ हुआ है इससे जो लुक है गाड़ी का काफ़ी उठ रही है उससे। इसके अलावा आपको जो है ना नीचे की तरफ है बम्पर में आपको फॉग लैंप इंस्टॉल मिल जाएंगे, ठीक हो गया। दरमियान में आपको जो है ना सुजुकी का लोगो और साथ असलर की जो है ना बेजिंग मिल जाएंगे। ग्रिल की तरफ आए तो काफ़ी प्यारा डिसेंट सा ग्रिल है। बाकी वो अंदर इंटीरियर में चलते हैं और आपको इंटीरियर इसके दिखा देंगे इसके इंटीरियर की कैसे है। तो व्यूअर, हम इसके इंटीरियर में आ चुके हैं, तो ये कुछ इसका इंटीरियर, कमाल का इंटीरियर है। कोई भी जापानीज गाड़ी उठा लो तो इंटीरियर कमाल का होने वाला है। बाकी आते हैं क्रोम के डोर हैंडल मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको ड्राइवर की विंडो ऑटो बाकी मैनुअल मिलेगी, और यहाँ से आप जो है ना अपने मिरर जो है ना वार्मियम एडजस्ट कर सकते हैं। लॉक का बटन है, विंडो लॉक का बटन नीचे की तरफ, तो काफ़ी फीचर मिलने वाले हैं। रिडार सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, फॉग लैंप, और इसके अलावा जिसमें जो कमाल की चीज़ है ना वो आपका है भाई पुश स्टार्ट। चाबी हाथ में रखो, जेब में रखो, इंजन दबाओ, पुश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी ये कुछ इसका स्टेयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन, यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो मीटर है ना काफ़ी प्यारा मीटर है। व्यूअर्स, ये कुछ इसका मीटर जो कि काफ़ी ख़ूबसूरत मीटर है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद है। बाकी आते हैं इसके इंड्रॉयड के पैनल की तरफ, तो अभी ये पता नहीं क्या है, हैज़ बिन
नॉट बीन लॉन्च इन टाइम, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है नहीं ऑन हो रहे, तो कोशिश करते हैं अगर ऑन हो गए तो इसके भी जो है ना आपके टच वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन नहीं आए। बाकी इसमें जो इंटीरियर में वुडन यूज़ हुआ है इससे जो लोग काफ़ी इन्हेंस हो रही हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपको जो है ना डिजिटल टेम्परेचर है, यहाँ से जो है ना एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी जो है ना यहाँ से आप जो है ना अपनी हवा जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रंट डिफोगर रियर डिफोगर यहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, और आउटर टेम्परेचर बता रहे, और यहाँ से जो है ना बाहर गाड़ी से जो अंदर हवा आती है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है ना ये टूल बॉक्स, ये भी आप जो बाकी चीज़ें इसमें जो है ना अक्सर खुफिया चीज़ें जो होगी। बाकी ग्लव्स वोस की बात करें तो ग्लव्स बॉक्स में नॉर्मल स्पेस है, इसके अलावा आपके अगर इससे जो है ना ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी है और उससे भी नीचे, ये हो गया हमारा एंड्रॉइड नेट ऑन। तो ये कुछ इसका टच भी अच्छा ही है, ठीक हो गया, काफ़ी स्मूथ है। यूट्यूब भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक हो गया। म्यूजिक प्लेयर है, नेविगेशन सिस्टम इसमें चेक करते हैं नहीं है, इसमें इंस्टॉल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर इसमें मौजूद है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है जो आप देखना चाहते हैं। एजलेट का बटन जो कि बाकी काफ़ी अच्छे फीचर हैं और ये तो कुछ है। इसके अलावा आपके जो दोनों फ्रंट सीट हैं वो आपको हीटेड मिलेगी, फ्रंट सीट भाई सर्दी का मौसम है, गाड़ी सुबह सुबह ठंडी होगी, दोनों बटन दबाओ ही, ठीक है। और जो है ना अपनी सीट जो है ना आप बटन दबाओ और जो है ना नीचे से गर्म होती जाएगी गाड़ी, तो सीट गर्म होती जाएगी तो आप इतनी जल्दी जो है ना आप गर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये तो कुछ इसका इंटीरियर और फीचर्स। तो बाकी जो है ना चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, गाड़ी को बंद कर लेते हैं। वैसे आप तीसरे गाड़ी की तरफ आते हैं तो ये दस्तो मूव, ठीक है। बैक से जो है ना काफ़ी डिफरेंट सा लुक है, फ्रंट से जो लुक है वो तो इससे बहुत प्यारा है। इस तरह बैक से लुक है। लाइट की बात करें, एक लाइट तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको जो है ना इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाएगा दस्तो का लोगो, साथ साथ आपको जो है ना वाइपर बैक पे आपको ट्रिनिटी प्लस डिफोगर मिल जाएगा, ऊपर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा और साथ साथ में आपको आई मॉन स्टॉम्प लैंप। और इसके साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, कुछ इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी जो है ना कट वगैरह इसमें है। अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं तो अगर प्रोफाइल की बात करें 155/65 R14 की इसमें अलॉय व्हील्स है। टायर की कंडीशन नॉर्मल ही है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अलॉय व्हील्स की कंडीशन जो है ना बिल्कुल नहीं हुआ है। बाकी बैक डोर की तरफ आते हैं तो खोल के आपको दिखाते हैं इसका आपका बैक से डोर स्पेस। तो जापानीज के साथ से मैचिंग स्पेस मौजूद है, लेकिन आपको जो ना ट्रंक है उसमें आपको इतनी स्पेस नहीं मिलेगी। बाकी क्रोम का डोर हैंडल, बॉडी कलर भी जो है ना अच्छी, इसमें आपको फैब्रिक यूज़ किया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट डोर की तरफ आते हैं, फ्रंट डोर में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम और ये कुछ इसका इंटीरियर। स्पेस की बात करें तो स्पेस तो इसमें भाई कमाल के, फ्रंट पे आपको जो है ना फाइल होल्डर मिल जाएगा, प्लस आपको स्पीकर दो आदमी मिल गए। और की तरफ आए तो और आपको बॉडी कलर में मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको जो साइड टर्न सिग्नल नहीं, साइड टर्न आपको फ्रंट फेंडर में मिल जाएगा। और ये कुछ इसका फ्रंट से लुक, काफ़ी फ्रंट से लुक की वजह से जानी जाती है। लाइट की तरफ आए तो आपको सिंपल हलोजन बल्ब लाइट मिल जाएगी, साथ ही आपको टेंशन सिग्नल प्लस पार्किंग लाइट। और ये कुछ इसका फ्रंट से लुक। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो आपको सारा क्रोम ही नज़र आएगा, प्लास्टिक आप इसमें आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। फिर अब अंदर चलते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं कि इसमें इंटीरियर की कंडीशन कैसी और इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स हैं। फिर ये हम इसके इंटीरियर में आ चुके हैं तो ये कुछ इसका इंटीरियर, वही फैब्रिक सीट, डोल टोन कलर, काफ़ी जो है ना उसमें कलर है, इंटीरियर भी काफ़ी प्यारा है, मुझे तो काफ़ी प्यारा लगे हैं, ठीक हो गया। बाकी सबसे पहले मीटर की तरफ आते तो काफ़ी प्यारा मीटर, जापानीज़ गाड़ी जो भी है मीटर वगैरह सबसे बेहतरीन है। स्टेयरिंग व्हील की तरफ आए तो थ्री स्पोक्स आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, ठीक है। साथ में दियासु का लोगो, दो अदद SRS एयर बैग मिल जाएंगे, एक आपको फ्रंट स्टीयरिंग पे और एक बाकी एक फ्रंट यहाँ पे मिल जाएगा। डोर की तरफ आते हैं तो आपको जो है ना ड्राइवर की विंडो ऑटो, बाकी आपको मैनुअल मिलेगी, यहाँ से आप जो है ना
लॉक कर सकते हैं, क्रोम का डोर हैंडल, यहाँ से आप अपने मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये कुछ इसका सिस्टम, पुश स्टार्ट है, इसके अलावा आपको ना ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार सिस्टम, यहाँ से ड्राइवर की जो सीट है वो आपको 18 मिलेगा, और यहाँ से आपको जो है ना ब्राइटनेस है लाइट की वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको राइट के, यहाँ से राइट में आपको लाइट के रिलेटेड कंट्रोल, लेफ्ट पे आपको जो है ना अपर के रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। एसी की बात करें तो आपको डिजिटल एसी मिल जाएगा, प्लस यहाँ से आप जो है एसी ऑन कर सकते हैं, बाकी जो है यहाँ से फैन ऑन हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से मोड है ऑटो वगैरह, ये जो डिफरेंट चीज़ें ऊपर की तरफ आते हैं तो सनशाइन में वेंटिलेटर दिया गया है, विदाउट लाइट दूसरी साइड में आपको सनशाइन में वेंटिलेटर दिया गया है। क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, ऊपर से आपको जो है ना LED में आपको लाइट मिल जाएंगे 2 अदद, और यहाँ ऊपर भी जो है ना एक्स्ट्रा है तो काफ़ी, वो भी LED में है। ग्लास में स्पेस की बात करें तो नॉर्मल स्पेस, इतनी अच्छी स्पेस नहीं, लेकिन इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर भी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। इसके अलावा आपको फ्रंट पे 2 अदद कप होल्डर मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे भी स्पेस मौजूद है, यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाएगा कि आप यहाँ से कुछ चार्जिंग वगैरह कर दें, सिगर लाइट, और ये है कुछ इस पर भी छोटी मोटी बोतल वगैरह रख सकते हैं, ये आपको भी निशान भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, सीट की बात करें, स्पेस की बात करें तो अच्छी खासी स्पेस है एक शहर में चलाने के लिए, लॉन्ग जर्नी पे तो ये नहीं है लेकिन शहर में ये जो है ना काफ़ी बेहतरीन है। व्यूअर्स ये थे कुछ गाड़ियाँ, बाकी डिटेल की बात करते हैं तो ये, बाकी व्यूअर्स अगर डिटेल की बात करें तो मूव कस्टम जो है दोस्तों ये 18 मॉडल है, ठीक है, 22 का इंपोर्ट है। अगर प्राइस की बात करें तो 30 लाख डिमांड की जा रही है। इसके अलावा जैसे कि असलर की बात करें तो 18 मॉडल, ये भी 22 का इंपोर्ट है, और इसकी भी जो है प्राइस है वो 30 लाख है। अगर सुजुकी वैगन आर की बात करें तो 33 लाख डिमांड की जा रही है, 19 मॉडल है। अगर किसी ने बाय करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इजीली जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।